उधर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की। बीजेपी ने जयपुर के जामडोली में बाड़ेबंदी की है। जामडोली के रिजॉर्ट देवीरतन में विधायक रुके हुए हैं। बीजेपी ने बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया है। प्रशिक्षण शिविर में कई अभ्यास सत्र होंगे जिसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के संबोधन होंगे। बीजेपी की बाड़ेबंदी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेताओं के संबोधन होंगे। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने 2 सीटें जीतने का दावा भी किया है। कोशिश यही की जा रही है, प्रशिक्षण शिविर नाम दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। श्वेता, एक और बाड़ेबंदी उदयपुर में जारी है कांग्रेस की, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो गया है। सत्र यहाँ पर कई होंगे, सेशंस होंगे, आज के दिन के क्या खास हाईलाइट्स रहने वाली है? बिल्कुल जयती, देखिए 10 जून बेहद अहम दिन रहेगा। जब देश भर की हम बात कर ले तो 57 कुल राज्यसभा सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है, और इसमें से हम बात करें तो 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, और उसमें एक राजस्थान भी है। राजस्थान क्योंकि यहां पर 4 सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट यहां पर 5 है। दावा जरूर यहां पर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि एक कैंडिडेट बीजेपी के घनश्याम तिवारी, जो कि अभी कुछ देर पहले ही देवीरत्न रिजॉर्ट से बाहर निकले हैं और यहां से रवाना हुए हैं वो, हालांकि मीडिया ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया। दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरे जो निर्दलीय कैंडिडेट है जिनको समर्थन बीजेपी दे रही है, और उनका दावा यह है कि हमारे साथ सभी विधायक, हालांकि कल तक की अगर हम बात करें तो नजर आ रहा था कि वो आंकड़े कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए क्या बीजेपी को ये वोट मिल सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आज की बात करें तो जितने रूठे हुए थे, जो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंच रहे थे या जो अपनी मांगों को लेकर बातें कर रहे थे, वो भी आज ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन मिला है और हमारा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके पास तो 123 वोट चाहिए, 126 का आंकड़ा वो बता रहे थे, और वो आज कह रहे हैं कि आज के डेट में हमारे पास है। लेकिन बीजेपी जिन आंकड़ों को लेकर बात कर रही है या जिन दावों की बात कर रही थी, कल ही गुलाब चंद कटारिया ने एक बात कही थी कि देखिए अंदर तो आग धधक रही है और वो धधकेगी तो नुकसान तो कांग्रेस का अंदर होगा और उसका फायदा बीजेपी को यहां पर मिलेगा, यानी कि जो नाराज है वो वोट यहां पर दे देंगे बीजेपी को, यानी क्रॉस वोटिंग को लेकर, और इसीलिए 8 वोट जो चाहिए निर्दलीय को जीतने के लिए, ये दावे जरूर किए जा रहे हैं। हालांकि अगर आज हम यहां की बात करें बाड़ेबंदी की, देखिए अभ्यास सत्र है, अभ्यास वर्ग कहा जाता है, प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस इसे कहती है, लेकिन अगर कुल मिला के कहा जाए तो यह है तो बाड़ेबंदी, क्योंकि एक जगह पर सभी विधायकों को एकत्रित कर लिया गया है। अब अंदर किस तरह के कार्यक्रम, देखिए सहयोगी ऐश्वर्य भी मेरे साथ है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। ऐश्वर्य, लगातार आप यहां पर बने हुए हैं ऐश्वर्य, और सत्र की बात की जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आज 7 तारीख है, सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं, किस तरह का सत्र अंदर चल रहा है? देखिए अभी जो अंदर है वो लगातार 4 सत्र होने हैं। पहला सत्र हो गया है, दूसरा सत्र अब खत्म हो चुका है, और अब दूसरे सत्र के बाद थोड़ी देर ये विश्राम करेंगे, फिर बाकी के 2 सत्र होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ श्वेता ये है कि रोजाना के जो सत्र हैं उनमें 1 घंटे राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस प्रशिक्षण में खास तौर पर फोकस ये रखा जाएगा कि कहीं किसी से कोई छोटी सी भी गलती ना हो। और ये ऐश्वर्य कह सकते हैं कि पिछली बार गलती जो हुई थी, 1 वोट रिजेक्ट हुआ था, इसलिए बीजेपी और ज्यादा इसे लेकर अलर्ट है? देखिए रिजेक्ट कई बार मानवीय त्रुटि की वजह से हो जाता है, लेकिन सियासत में उसे मानवीय त्रुटि कतई नहीं कहा जाता। वो इसीलिए ट्रेनिंग देते हैं कि बिल्कुल भी मानवीय त्रुटि ना हो। फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसने जब त्रुटि नहीं किया, कई बार बहुत एक ज़माना ऐसा होता था कि अनपढ़ भी होते थे, पढ़े लिखे नहीं आते थे कई बार विधायक, तो उस ज़माने में भी वोटिंग तो वो भी करते थे, तो इतनी क्लस्ट प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अभी का मैं अपडेट अगर बताऊँ तो अभी पूरा राम भी यहाँ आ गए हैं जो कल तक नहीं आए थे, तो आज शाम तक तमाम विधायक पहुंच जाएंगे जो अलग अलग कारणों से नहीं आ पाए थे। कुछ एक विधायक नहीं आ पाए थे, करीब 64 विधायक जो है वो पहुंच गए हैं, 64-65 विधायक यहाँ पर है, बाकी के कुछ एक विधायक यहाँ पर आ जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि तमाम नेताओं के सत्र हो रहे हैं, जिनमें सब वरिष्ठ नेता है, जिनके पास लंबी संसदीय परंपराओं का अनुभव है और लंबा संसदीय अनुभव है, वो तमाम नेता यहाँ पर अपने अपने लिहाज से संबोधन दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। नए विधायकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी राजेंद्र राठौड़ जब मीडिया से मुखातिब होकर गए तो वो ये कहकर गए कि उनके यहाँ पर आमोद प्रमोद होता है और भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण होता है और अभ्यास वर्ग होता है। हालांकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, कांग्रेस के कैंप को बीजेपी आमोद प्रमोद बताती है, तो बीजेपी अपने आप के प्रशिक्षण, अपने आप के कैंप को या बाड़ेबंदी को अभ्यास वर्ग बता रही है।
बिल्कुल ऐश्वर्य जयती, देखिए अब जिस तरह से ऐश्वर्य बता रहे थे कि सत्र अंदर चल रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, गलतियां कोई ना हो, कोशिश ये है, भले ही दूसरे पर सवाल उठाया जा रहा हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि जीतना हर कोई चाहता है, ये सीट अपने खाते में डालना चाहता है और उसकी कोशिश इसी की कवायद है जो बाड़ेबंदी के अंदर विधायक सभी मौजूद है। बिल्कुल श्वेता, तो दोनों ओर से कवायद जारी है और देखना ये होगा कि कवायदें इतनी कोशिशें जो की जा रही है वो किस हद तक सार्थक होती है। आने वाले 10 जून को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।